नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एजेंट आईडी से बुक किया गया टिकट और दोस्तों पर्सनल आईडी से बुक किया गया टिकट में अंतर क्या होता है और दोस्तों किस तरीके से आप जेल और जुर्माना से बच सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको दो टिकट दिखाने वाला हूँ। एक टिकट दोस्तों एजेंट आईडी से बुक किया गया है और एक टिकट दोस्तों पर्सनल आईडी से बुक किया गया है और इनमें क्या अंतर होता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा जो एजेंट आईडी से बुक किया गया टिकट होता है वो आपका अनलिमिटेड टिकट होता है। मतलब अगर आपके पास एजेंट आईडी है तो आप कितने भी टिकट बुक कर सकते हैं। स्लीपर में दोस्तों 20 रुपये, एसी में 40 रुपये, ऐसे करके आपको कमीशन मिलता है हर टिकट पर, जबकि दोस्तों पर्सनल आईडी में आपको कमीशन नहीं मिलता है। और दोस्तों पर्सनल आईडी में आप पर्सनल ही बंदे का टिकट बुक कर सकते हैं, जैसे अपने फैमिली मेंबर हो गया। और दोस्तों एजेंट आईडी से आप किसी का भी टिकट बुक कर सकते हैं और अनलिमिटेड। और दोस्तों पर्सनल आईडी से आप ज़्यादा टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, उसमें दोस्तों एक लिमिट होती है कि एक महीने में इतना टिकट तक आप बुक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा दोस्तों आप टिकट बुक नहीं कर सकते पर्सनल आईडी से। और दोस्तों जो एजेंट आईडी टिकट होता है उसको आप कई टिकट बुक करके सेल कर सकते हैं और दोस्तों पर्सनल आईडी से बुक किए हुए टिकट को आप सेल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक रीज़न बताना चाहूँगा कि जो आपका पर्सनल आईडी से टिकट बुक होता है उस पर दोस्तों साफ साफ लिखा होता है कि इस टिकट को आप सेल और परचेस नहीं कर सकते। उसमें दोस्तों धारा 143 का भी जिक्र किया गया है, जिसमें दोस्तों आपको धारा 143 लग सकती है अगर आप इस टिकट को बेचते हुए या खरीदते हुए पाए जाते हैं तो। अब दोस्तों धारा 143 होती क्या है, इसमें दोस्तों होता क्या है 3 साल का की जेल और 10,000 जुर्माना और या दोस्तों दोनों हो सकता है अगर आप ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं तो। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि पर्सनल आईडी से हम जब टिकट बुक करके सेल करते हैं तो रेलवे ऐसा क्यों करता है कि पर्सनल आईडी से टिकट को सेल करने से मना करता है, जबकि रेलवे का तो फायदा ही हो रहा है, हम कितना भी अनलिमिटेड टिकट बुक कर रहे हैं रेलवे का तो फायदा ही हो रहा है, आखिर पर्सनल टिकट से हम सबका टिकट क्यों नहीं बुक कर सकते। इसमें होता क्या है कि जो एजेंट लोग होते हैं वो पर्सनल आईडी बहुत सारी क्रिएट करते हैं और उससे पर्सनल आईडी से टिकट बुक कर करके सेल करते हैं। जो दोस्तों तत्काल टिकट की लाइन ओपन होती है वो एजेंट के लिए 15 मिनट लेट होती है। जैसे मान लीजिए तत्काल टिकट की लाइन अगर 10 बजे ओपन होती है तो उन लोग के लिए 10:15 पे ओपन होती है, तो ऐसे में दोस्तों टिकट जो है पूरा फुल हो जाता है। और जो पर्सनल आईडी का टिकट होता है वो दोस्तों एग्जैक्ट 10 बजे ही ओपन होता है, जिससे उनको टिकट मिल जाता है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पर्सनल आईडी से टिकट को 10 बजे ही तत्काल टिकट को बुक करके सेल करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप फंस सकते हैं अगर आपका पर्सनल आईडी से टिकट बुक करके कोई एजेंट आपको सेल करता है तो। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका टिकट पर्सनल आईडी से बुक है या एजेंट आईडी से बुक है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर रेलवे पर्सनल आईडी से टिकट बुक करके सेल करने से मना क्यों करती है, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 10 बजे मान लीजिए अगर लाइन ओपन होती है तत्काल की तो उनका टिकट 10 बजे ही बुक होता है, तो पर्सनल आईडी से टिकट को सेल करते हैं और दोस्तों तत्काल टिकट का जितना किराया होता है उससे डबल चार्ज लेते हैं, वसूलते हैं। यहाँ पे दोस्तों टिकट को सेल और परचेस की करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दोस्तों रेलवे का कहना ये है कि जो आप पर्सनल आईडी से टिकट बुक करके बेचोगे तो उससे दोस्तों धोखाधड़ी होता है, क्योंकि आप डबल रेट में बेच रहे हो तो आप एक तरीके से कस्टमर के साथ या यात्रियों के साथ आप धोखा कर रहे हो कि उनको डबल रेट में आप टिकट दे रहे हो। तो रेलवे इस धोखाधड़ी से बचने के लिए दोस्तों पर्सनल आईडी का अलग, एजेंट आईडी का अलग रूल निकाला हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने मोबाइल में आपको दिखा देता हूँ कि पर्सनल आईडी और एजेंट आईडी की पहचान होती क्या है आखिर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ उस टिकट को जो एजेंट द्वारा बुक किया गया है। और यार दोस्तों एजेंट द्वारा बुक किया गया इसकी पहचान यह होती है कि आप टिकट के सबसे नीचे जाएंगे, वो दोस्तों उसका नाम दिया रहता है और उसकी आईडी नंबर दिया होता है, ये सारी डिटेल्स एजेंट आईडी के टिकट में आपको देखने में मिल जाती है। लेकिन जो दोस्तों जो पर्सनल आईडी टिकट होता है, मैं आपको पर्सनल आईडी टिकट ओपन करके दिखाता हूँ। जो दोस्तों पर्सनल आईडी से टिकट बुक किया होता है उस पर दोस्तों आप सबसे ऊपर देखेंगे जहाँ पे ERS लिखा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप के आगे लिखा होता है नॉर्मल यूजर, अगर वह लिखा हुआ है तब समझ लीजिए वो पर्सनल आईडी से बुक किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ रहता है कि आपको धारा 143 लगेगी अगर आप इस टिकट को सेल या परचेस करते हैं तो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पर्सनल आईडी और एजेंट आईडी के बीच में क्या अंतर होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।